अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, आपका नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मेरा नाम राशिदा खान है। राशिदा, आप क्या करती हैं? मैं अभी बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ऑल साइंस कॉलेज से। अच्छा राशिदा, ये जो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हैं, तो इसमें आपको क्या हेल्प मिली और किस ऑर्गेनाइजेशन से आपको ये हेल्प मिली है? मुझे सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हेल्प मिली है ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका नाम है एएमपी स्कॉलरशिप। राशिदा, कितनी कुछ स्कॉलरशिप आपको एएमपी से मिली है? मुझे 30,000 का चेक मिला था यहाँ से। 30,000 की आपको हेल्प हुई है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, दैट्स रियली वेरी गुड। राशिदा, इन फ्यूचर अगर आपको आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, आप लोगों की किस तरह हेल्प करना चाहेंगी? उसी तरह से करूंगी, बिल्कुल जिस तरीके से मुझे हेल्प करी गई है। मेरे एक मेंटर हैं, फहीम सर नाम है उनका, उन्होंने मुझे एज अ फाइनेंशियल हेल्प करी है, उन्होंने मुझे बुक्स ला कर दी। उसी तरीके से मैं भी लोगों की हेल्प करूंगी कि मुझसे जितना होगा मैं उन्हें अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगी। बुक से हेल्प होगा, एजुकेशन से हेल्प होगा, फाइनेंशियल हेल्प होगा, तो मैं उन्हें पूरा करूंगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं मिली मैं उन्हें देना चाहूंगी। सर राशिदा, आप ही की तरह जो और लड़कियां हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी करना हो ना, तो डेडिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, इवन मेरी लाइफ में भी बहुत आई हैं, बट ये था कि आपका एक गोल था कि मुझे ये करना है तो करना है। आप अगर अपना डेडिकेशन रखेंगी तो इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी एंड आप एक दिन अपना ड्रीम जरूर पूरा करेंगे। राशिदा, आपने ये जो टारगेट सेट करा टू बी एन आईएएस ऑफिसर, ये आपने किस तरह से करा? सो ये आईएएस मेरा का जो ड्रीम है, ये मेरे चाइल्डहुड ड्रीम है और मैंने बचपन से ही अपना गोल सेट किया था कि मुझे एक दिन आईएएस बनना है। धीरे धीरे आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे और ज़्यादा होने लगा कि नहीं, अब बनना ही है, तो फिर मैं इसी फील्ड में आ गई। ओके राशिदा, थैंक यू वेरी मच, वी विश यू गुड लक फॉर योर ब्राइट करियर। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह।